Unites.com, redefining Bollywood. ये जीमा अवार्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक अवार्ड है जहाँ पे खाली म्यूजिक फ्रेटर्निटी को अवार्ड दिया जाता है. बाकी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिंगर्स, बेस्ट लिरिसिस्ट मिलता है, बट इसमें उसके साथ साथ जो लोग म्यूजिक पे काम किया है, प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, उन लोगों को अवार्ड मिलता है. उसके साथ साथ नॉन फिल्म म्यूजिक जिसका कोई और अवार्ड का कैटेगरीज नहीं है, इस अवार्ड में है. ये एक्चुअली हमारा इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्रैमी है. सर, आप नॉमिनेट भी हुए ये जवानी दीवानी के लिए बेस्ट म्यूजिक के लिए. कितने एक्साइटेड है और बहुत टफ कंपटीशन है इस बार अवार्ड जीतने के लिए, तो क्या कैसे कितने नॉमिनेशन इज द आई नो इट्स क्लिशेड बट इट्स ट्रू दैट नॉमिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड उसके बाद किसको मिलता है वो काफ़ी वो मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लक बोल सकते हो आप या उस टाइम जो एक जो बात पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये जो गाने बनाते हैं म्यूजिक बनाते हैं कहाँ से लाते हैं, अच्छे अच्छे गाने छाटते हैं कहाँ से लाते हैं, इतना अच्छे अच्छे वो तो काम यही है अपना. लाइक वी मेक सर आप एकदम हमेशा ही कुछ ना कुछ हमको ऐसा देते हैं जो दिल को छू जाता है. थैंक यू. सर एक और लास्ट सवाल, 26 जनवरी आ रही है, मैं खाली विश कर देता हूँ सबको. आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.